क्या आपको पता है मुकेश अंबानी के घर में काम करने वाले नौकरों की हालत कैसी है और उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, नौकरों को एक महीने की कितनी तनख्वाह दी जाती है। आज हम आपको ये सभी बातें बताएंगे। इतना ही नहीं बल्कि आज हम आपको मुकेश अंबानी के घर के अंदर की झलक भी दिखलाएंगे और आज आपको इस घर में लोग कैसे रहते हैं ये भी पता चल जाएगा। दोस्तों, मुकेश अंबानी पूरी दुनिया के अमीर आदमियों में शामिल है। ऐसे लगता है जैसे इन्होंने कुबेर को अपने घर में बांध कर रखा हो। अरबों के मालिक मुकेश अंबानी की संपत्ति की कोई सीमा ही नहीं है। जियो सिम के आने से पहले भारत में बहुत कम लोग मुकेश अंबानी को जानते थे और अब जियो के आ जाने के बाद छोटे से छोटा बच्चा भी मुकेश अंबानी को जानने लगा है और लोग इनके घर की हर एक बात जानना चाहते हैं। मुकेश अंबानी पूरी दुनिया में अपनी बेशुमार दौलत और अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल की वजह से मशहूर हो चुके हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि मुकेश अंबानी के घर में काम करने वाले नौकर आखिर कितना कमाते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, अंबानी परिवार दुनिया के सबसे महंगे घर जिसका नाम एंटीलिया है उसमें रहता है। इस घर की कीमत 1100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है और इस 27 मंजिला घर में सभी सुविधाएं मौजूद हैं, जो कि एक आम आदमी कभी सपने में भी नहीं सोच सकता। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस घर को ऐसी ऐसी तकनीक से बनाया गया है जिसके कारण इस घर में एक भी एसी नहीं है। इस घर की दीवारों को ऐसे डिजाइन किया गया है ताकि घर के अंदर का तापमान ठंड में गर्म और गर्मी में ठंडा रहे। दोस्तों, आखिर जब घर इतना बड़ा हो तो इस घर की साफ सफाई के लिए अच्छे खासे नौकरों की जरूरत तो पड़ती ही होगी। इसलिए दोस्तों, इस घर के लिए 600 से ज्यादा नौकरों की टीम दिन रात यहाँ पर काम करती है। दोस्तों, इतने महंगे घर की सिक्योरिटी रखना भी बहुत जरूरी होता है, इसलिए दोस्तों इस घर की सिक्योरिटी के लिए हर महीने 15 लाख रुपए खर्च कर दिए जाते हैं। इस घर को Z+ सिक्योरिटी की सुरक्षा दी गई है और ये सिक्योरिटी कुछ खास लोगों को ही मुहैया करवाई जाती है। ये सिक्योरिटी में CRPF के जवान शामिल होते हैं। दोस्तों, अंबानी के इस घर में पहले 7 मंजिलों पर तो सिर्फ गाड़ियों के लिए गैराज ही बनाया गया है, क्योंकि मुकेश अंबानी की कार कलेक्शन में 150 से ज्यादा कारें शामिल है। इस घर में एक सिनेमा हॉल, पार्क, जिम, एक स्विमिंग पूल तथा इसकी छत पर 3 हेलीपैड बनाए गए हैं जिस पर मुकेश अंबानी का पर्सनल हेलीकॉप्टर तथा यहाँ पर आने वाले मेहमान के हेलीकॉप्टर को उतारा जाता है। दोस्तों, घर के हर फ्लोर पर अलग अलग नौकरों की टीम काम करती है। हर फ्लोर का एक टीम इंचार्ज होता है जो कि हर रोज के काम को निर्धारित करता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस महंगे घर को संभालने वाले इन कर्मचारियों की शुरू में सैलरी 6000 महीने रखी गई थी, लेकिन एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अब हर कर्मचारी की सैलरी 2 लाख रुपए महीना कर दी गई है। इसके अलावा इस घर में काम करने वाले सभी नौकरों को कई सारी सुविधाएं दी जाती है। ये सुविधाएं शायद ही किसी सरकारी कर्मचारी को ही मिलती होंगी, क्योंकि हर महीने 2 लाख सैलरी मिलना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सैलरी के अलावा इन कर्मचारियों को जीवन बीमा भी दिया जाता है। इन कर्मचारियों के बच्चों को अमेरिका या किसी भी अच्छे या बड़े स्कूल में पढ़ने की सुविधा भी मुहैया करवाई जाती है। अब आप सोचिए दोस्तों, ऐसी जगह आखिर कौन व्यक्ति होगा जो नौकरी नहीं करना चाहेगा। लेकिन दोस्तों, आपको एक बात बताते हैं, मुकेश अंबानी अपने नौकरों को नौकर नहीं बल्कि अपने घर का सदस्य मानते हैं। वो अपने नौकरों के साथ ऐसा ही व्यवहार करते हैं जैसा वो अपने परिवार के सदस्यों के साथ करते हैं। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में बताइए ना, और साथ ही दोस्तों हमारे वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। साथ ही दोस्तों, इसे नीचे दिए गए रेड कलर के बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। साथ ही लगे बेल के बटन को दबाकर ऑल के ऑप्शन को जरूर सेलेक्ट भी कर देना।